लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन से ही देश भर में शराब की दुकानों को खोल दिया गया था, जिसके बाद से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसमें लोग शराब खरीदने के लिए लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें बिलासपुर से भी सामने आई हैं, जहां लोग 2 मीटर तो क्या 2 इंच से भी ज्यादा करीब खड़े होते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। जिसके बाद सत्ता पक्ष और बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने शहर में शराब बिक्री का विरोध किया और उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के खुलते ही लोग एकजुट होकर भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, जो गहन चिंता का विषय बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ने जब से सभी राज्य सरकारों को शराब की दुकान खोलने की जो अनुशंसा की है, उसके आधार पर राज्य सरकारों ने जो शराब की दुकानें खोली हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में मैंने देखने में आया कल की बहुत भीड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन भी इसमें चूक गया और इससे खतरा बढ़ने की एक संभावना थी। जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं कि हमें संक्रमण से बचना है, खतरे को, तो उसको लेकर थोड़ा सा भय था मेरे अंदर। मैंने इसके लिए हमारे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं आदरणीय RP मंडल साहब, उनसे अनुरोध किया है कि सरकार को शराब की बेचने के इसमें पुनर्विचार एक बार जरूर करना चाहिए। तक की विधायक शैलेश पांडे ने तो सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह तक दे डाली, तो फिर विपक्ष में बैठी BJP भी क्यों पीछे रहे। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी विधायक शैलेश पांडे के बयान का समर्थन करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। पूरे प्रदेश में शराब दुकान खोलने से लॉकडाउन भी टूट गया और सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई गई है। जिस प्रकार से प्रदेश में स्थिति निर्मित हुई है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाला समय कोरोना को पुनः आमंत्रित। अब देखना यह है कि जब राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध पार्टी के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी हो रहा है, तो क्या सरकार अपने इस फैसले को बदलने के बारे में विचार करेगी या फिर इस तरह से ही लोगों की जान को खतरे में डाला जाता रहेगा। बिलासपुर से न्यूज़ के लिए संजय यादव की रिपोर्ट।